Okay, in the previous lecture we discussed what is the moment of inertia, what is the formula, what is the dimension, what is the formula for particle system, what is the formula for a body which has a continuous mass distribution. Now in this lecture we are going to discuss on which factor moment of inertia is dependent. Moment of inertia ka jo formula hai wo humne dekha, summation of m I आराम के आई चेंजिंग फ्रॉम मोमेंट टू इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी इनर्शिया है, जो भी अपोज करने की जो प्रॉपर्टी, वो अपोज करने की प्रॉपर्टी बॉडी के सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं है, इट इज आल्सो डिपेंड ऑन आर मींस क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ कोलिजन. तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड है, वन इज मास ऑफ पार्टिकल एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ कोलिजन. तो इस फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले हम देखेंगे एग्जांपल. चलो ये रोटेट करने की फैन है, ये रोटेट करने आप लोग सपोज ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, देखिए ये तीन प्लेट्स है, यहाँ पे फाइव प्लेट्स है और ये तीनों सॉरी ये टोटल एट प्लेट जो है सेम मास के, मतलब ईच प्लेट का मास सेम है, ऐसे आप गेस करो. अब बस बताओ उसको हम जब रोटेट करेंगे तो दोनों को एक साथ स्टॉप कर देंगे तो कौन सा जल्दी स्टॉप होगा. यस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जल्दी रोटेट नहीं करेगा, सॉरी जल्दी रोटेट होना स्टॉप नहीं करेगा. तो आप लोग बताओ ऐसे क्यों हुआ. यस गुड, क्यों, बिकॉज सेकंड वन का मास ज्यादा है, सेकंड वन का मास ज्यादा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन. मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन इन सब केसेस में मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन सेकंड केस में जो फैन का मास है वो मास ग्रेटर है, तो मास ग्रेटर होने के कारण इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास व्हिच इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मोर द मास मोर द इनर्शिया, मोर द मास मोर द इनर्शिया. सो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी का मास जितना भी ज्यादा होगा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी. इज इट क्लियर. अब द राइट नाउ आई एम गोइंग टू सी द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जरा समझ के देखो यार, जैसे कि मैंने बताया था कि समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, आप लोग देखो ये मास बढ़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी, आर बढ़ेगा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी. वो ज्यादा सेंसिटिव तो ये आर है, लेकिन उसका स्क्वायर है, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगा. चलो एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये एक फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील, चलो फ्लाई व्हील नहीं समझ में आता तो एक डिस्क है, इसे एक डिस्क है, डिस्क की जो मास है वो मास हमने लिया एम और रेडियस इज आर, सपोज रेडियस इज आर. अब मैं क्या करता हूं, इसका ऐसे पार्ट में से मास निकाल लेता हूं, ये मास निकाल लिया मैंने, ये भी मास निकाल लिया, ये भी मास निकाल लिया, ये भी मास निकाल लिया, रिमूव दिस मास. अब ये रिमूव किया हुआ मास फेंक दिया, नहीं डोंट रिमूव, उसको क्या करो इस आउटर एज पे डिस्ट्रीब्यूट करो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करो, वो मास हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, इससे क्या हुआ जो ओरिजिनल मास था और जो फाइनल मास था वो कैसे रहा, सेम था, चेंज नहीं हुआ, तो ये शेप ऐसे बन गया. अब देखो इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ, जो स्टार्टिंग में डिस्क थी उसका टोटल मास भी यम था, लेकिन वो यम इतने डिस्टेंस पे था, इसका भी मास एम ही है, लेकिन इसका तो यहाँ इसका जो पार्टिकल से वो पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से बढ़ गया, यहाँ से सपोज आर था तो 101% ये जो होगा ये ग्रेटर दैन आर होगा, ये ग्रेटर दैन आर होगा. तो इस केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा होगा, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा होने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फॉर्मूला था एम आर स्क्वायर आर बढ़ गया, तो मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगी. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज
when moment of inertia increases when mass distribution about the axis of rotation is increases. Mass distribution का point अच्छे से समझ लो. जो भी mass है वो mass जब axis of rotation से दूर जाएगा तो moment of inertia increase होगी. Axis of rotation से दूर जाएगा तो moment of inertia increase होगी. More the mass distribution, more the moment of inertia. इसीलिए ये disk की moment of inertia कम है. दोनों का मास तो सेम है, दोनों का मास सेम है, लेकिन इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है बिकॉज इसकी रेडियस ज्यादा है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज लेस एज कंपेयर टू दिस रिम डिस्क. इसको रिम डिस्क हम देखते हैं कि ये व्हील साइकिल वाला व्हील भी आप अज्यूम कर सकते हैं जिसको स्पूक होते हैं. स्पूक वाले व्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगी. नाउ द लास्ट पॉइंट is moment of inertia is depend upon position and orientation of axis of rotation. इसका मतलब क्या कि body किस axis के about rotate कर रही है और वो axis का orientation क्या है. Suppose क्या है देखो, ये axis है, ये center में से जा रहा है, ये rod पकड़ो, ये center में से pass हो रहा है, ये one end से pass हो रहा है, ये directly इसके center में से pass हो रहा है. ओके तो ये हो गया पोजीशन ऑफ एक्सिस. अब ओरिएंटेशन क्या है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है. अब सपोज ये ऐसे रोटेट करेगा, समझ में आ रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हुआ, इंक्लिनेशन करने के बाद रोटेट तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं इंक्लाइन किया गया, ऐसे ही रोटेट कर रहा है. ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन चेंज हुआ. सो पोजीशन, पोजीशन मतलब ऐसे ऐसे इधर इधर, ये पोजीशन और ओरिएंटेशन लाइक लाइक लाइक. तो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाती है. कैसे, एग्जांपल से देखते हैं. चलो एक रॉड है, चलो इस रॉड का मास हम काउंट नहीं करेंगे, इट इज मासलेस. ये रॉड क्या है, मासलेस. मासलेस है मतलब इसका हम मास कंसीडर नहीं करेंगे. टोटल लेंथ लेंगे इसकी कैपिटल एल. इसकी टोटल लेंथ हमने क्या ली, कैपिटल एल. और इस रॉड के दो एंड में छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, टू टू के जी. कितने के जी के, टू टू के जी चलेगा, देखो चलेगा ठीक है. टू के जी के दो पार्टिकल्स दो एंड पर रहेंगे और यल इज इक्वल टू मैं कहता हूँ वो भी दो मीटर. मतलब इस रॉड का लेंथ मैंने कितना लिया, दो मीटर. चलो अभी इस रॉड का मास मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मासलेस है. ये खाली दो पार्टिकल को अटैच करने के लिए मैंने अप्लाई कर दिया. अब ये पार्टिकल्स है तो हम पार्टिकल्स सिस्टम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एमआई आर आई स्क्वायर. अब दो ही पार्टिकल है तो क्या होगा, दो ही पार्टिकल है तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर. एम वन कितना है तुम्हारा, टू. आर वन मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये दो मीटर का था, अभी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास हो रहा है तो आर वन कितना हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले गए. देखो यहाँ पे 1 1 मीटर की ज्यादा से
distance में क्या double हो गया. So mass distribution increase हुआ as well as axis भी change हुआ, तो moment of inertia change हो गया. So इसका मतलब हमने तीन factors देखे moment of inertia के. कौन से? सबसे पहले direct is proportional to mass. Second one is it is depend on distribution of mass. And third one is depend on position and orientation of axis of the